मशहूर डायरेक्टर लेट यश चोपड़ा की पत्नी पैमेला चोपड़ा का आज निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को हमेशा याद किया जाएगा। आज दिन भर यश चोपड़ा के घर सितारे आते दिखे। RRR को तमिल फिल्म कहने पर ट्रोल हुई प्रियंका चोपड़ा ने अब किया रिएक्ट। एक इंटरव्यू में प्रियंका ने कहा, मेरे जरिए कही गई किसी भी बात में लोग गलतियां खोजने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि लोग इसका मजा लेते हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा ज्यादा सतर्क हूँ क्योंकि मेरे पास सोचने के लिए मेरा परिवार है। आप जीवन में जितना ऊपर जाते हैं, लोग आपके गिरने का कारण ढूंढते हैं। मेरे पास मेरे परिवार, दोस्तों और फैंस का इतना प्यार और सपोर्ट है कि मैं उस पर ध्यान देना पसंद नहीं करती हूँ। विराट कोहली की बेटी पर बच्चे का प्लाकार्ड वायरल, कंगना रनौत हुई आग बबूला। ट्विटर पर ट्वीट कर बोली, मासूम बच्चों को ये बेहुदा बातें न सिखाए, इससे आप मॉडर्न या कूल नहीं, अश्लील और फूल लगते हो। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन की एक याचिका पर 20 अप्रैल 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने गूगल से लेकर यूट्यूब तक को सख्त चेतावनी देते हुए लिखित जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 मई तय की है। बता दें कि आराध्या ने उनके स्वास्थ्य और जीवन से संबंधित फर्जी समाचार की रिपोर्टिंग के लिए यूट्यूब टैबलॉइड के खिलाफ याचिका दायर करते हुए इस तरह की रिपोर्टिंग करने से रोकने की मांग की। परिणीति चोपड़ा की पर्सनल लाइफ से बड़ी खबर। रिपोर्ट्स के मुताबिक परिणीति और राघव चड्ढा की शादी इस साल अक्टूबर महीने में हो सकती है। बताते चले कि कल रात परिणीति डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर पर स्पॉट हुई थी। यहाँ पेपराजी ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया। देखिए परिणीति का रिएक्शन। दबंग पुलिस अफसर बनकर सीरियल किलर को पकड़ती नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। वेब सीरीज दहाड़ से पहला पोस्टर और रिलीज डेट अब सामने आया है। दहाड़ 12 मई को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। अजय देवगन और काजोल ने खास अंदाज में बेटी निशा को किया बर्थडे विश। इंस्टाग्राम पर शेयर की खास तस्वीरें। पॉपुलर रैपर रफ्तार ने द कपिल शर्मा शो को शोशाबाजी कह डाला। एक यूट्यूबर डंक रिशु के साथ बातचीत में रफ्तार ने कहा, बेसिकली क्या होता है, देख हमने काम कर लिया, वहां जाकर ये दिखाना होता है कि हम बहुत बड़े हैं, शोशेबाजी है, जनता के सामने इज्जत बन जाती है, बहुत बड़े लगते हैं। घर पर जब माँ बाप देखते हैं वो कहते हैं वो द कपिल शर्मा शो पर आया था, गली कूचे में हवा बन जाती है, लेकिन उसका असली वर्ल्ड वैल्यू कुछ नहीं है। करीना कपूर खान और करिश्मा कपूर ने माँ बबीता के जन्मदिन पर शेयर की अंधे की तस्वीरें। करीना कपूर खान ने इंस्टाग्राम पर माँ बबीता संग एक तस्वीर शेयर कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और एक प्यारा कैप्शन लिखा। वहीं करिश्मा ने भी इंस्टाग्राम पर माँ के साथ एक बचपन की तस्वीर शेयर की, जिस पर करीना कपूर खान ने कमेंट किया, उफ मॉम तो बहुत हॉट थी। इंडस्ट्री में सैलरी गैप पर छलका विक्रांत मैसी का दर्द। एक इंटरव्यू में विक्रांत ने कहा कि फीमेल को एक्ट्रेसेस को बॉलीवुड में उनसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। उन्होंने दीपिका पादुकोण का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इंडस्ट्री में इतने साल काम करने के बाद भी उन्हें उनके जितना पेमेंट नहीं किया गया।